खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में सिक्योरिटी के लिए लगाए गए सुरक्षाकर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि पिछले एक साल से यहां ना तो नियमित वेतन दिया जाता है और ना ही 5 महीने 20 दिन का एरियर दिया गया। इसके अलावा सिक्योरिटी में लगी गाड़ी का भी भुगतान समय पर नहीं किया गया। वे सुरक्षा कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद HCL के अधिकारी ने उनको समझाइश का काफी प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कर्मी अपनी मांग पर अड़े रहे। एरियर इनका पास हो रखा है, वो उसमें ये कंपनी और ठेकेदार उसकी मटरगस्ती कर रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे। साथ ही एक साल हो गए इस ठेके को चलते हुए, उसमें दौरान में किसी भी डेट को मतलब 10 और 15 के बीच में पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई ड्रेस का और ये इसका जो इंडिविजुअल के पैसा काट रखा है 8-10 आदमी।